वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी, यह जानने के लिए पूरे देश की जनता उत्सुक है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहां काउंटिंग की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर कोई गड़बड़ी न हो इसको लेकर रणनीति बना रही है। खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पांचों लोकसभा सीट के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिख दिया गया है कि वह अपनी अपनी लोकसभा में मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर ले, ताकि कोई भी बात होने पर उसकी सूचना उन तक पहुंच सके, वह सूचना उसके बाद पूरे प्रदेश में जा सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे नीचे के स्तर पे तो बने बने हैं। आज हमने अपने पांचों लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सकें, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सकें। क्योंकि फॉर्म 17 जो है सी है उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो निश्चित ही चिंता का विषय है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा विषय है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही 17 सी के मिलान में अगर अधिकारी कोई आनाकानी करें या मिलान में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर भी अभी मंथन चल रहा है। हम तुरंत उसमें चाहेंगे कोई ना कोई कार्रवाई हम लोग करें।